दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आने वाले 15 दिन के लिए सतर्क करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, इस वीडियो को सतर्क वाणी के तौर पे लिएगा, क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा था, उस परिवर्तन को मैं आप लोगों के समक्ष बताने के लिए क्या क्या उस परिवर्तन के दौरान हो सकता है, किस प्रकार से ग्रह असर डाल रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण ग्रह जो भारत और अन्य देशों के ऊपर भी प्रभाव डालने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पार्ट है वीडियो के अंदर, वो गलती से अगर स्किप हो गए तो वीडियो समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपके पास में वीडियो आने वाली है 13 दिन के पक्ष वाली, और साथ के साथ 24 में शनि के मीन राशि में आने वाली बात, उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आप लोगों के पास में लाइव सेशन के दौरान बताने वाला हूं। मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति एक बार फिर से बदल रही है, और ऐसी बदल रही है जिसका पहले भी मैंने आप लोगों को दिसंबर के आसपास बताया था कि क्या कॉम्प्लिकेटेड समय हमारे सामने आ सकता है मार्च के दौरान। तो अपकमिंग 50 डेज हमारे को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है सूर्य और बुध दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और इस टाइम में बुध के परिवर्तन करते ही 7 मार्च को वे मीन राशि में जाएंगे, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव फेस इस समय के ऊपर वो उत्पन्न करेंगे। और जो नेगेटिव फेस उत्पन्न होगा, वो चुनाव से पहले हम लोगों को कई प्रकार के कष्टों के अंदर डालता हुआ नजर आ रहा है ग्रहों के आकलन के अनुसार। 15 मार्च एक ऐसा समय जो चुनाव से पहले का समय है, इस समय मीन राशि में जाना और राहु की छाया के अंदर जाना, मतलब सूर्य देव का मीन राशि में राहु की छाया में जाना, राहु के साथ मिलन करना, ये दिखाता है कि सालों बाद जो ये हो रहा है, मतलब इस अप्रॉक्सीमेटली ये ग्रहों का परिवर्तन 12 साल के बाद में हो रहा है, और 12 साल के बाद में सूर्य भगवान जो राहु से मिलन करने जा रहे हैं, वो दुनिया के अंदर अभी तक हैंडल करने वाली सिचुएशन हो रही थी, अब दुनिया के अंदर नेगेटिव फेस दिखाने वाली सिचुएशन हम लोगों के सामने आ रही है। तो डेट्स ऑलरेडी क्रिटिकल्स मैंने आप लोगों को पहले से बता रखी हैं, पास्ट के लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं। ग्रहण से पहले का ये लोग योग बहुत ही बड़ी सावधानी बरत के चलने का योग है। सूर्य और शनि अभी एट प्रेजेंटली आप लोगों को पता है साथ में बैठे हुए हैं, इसके साथ में सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और मंगल और शनि साथ में बैठेंगे, और मंगल और शनि का जो सिचुएशन है वो 14 मार्च से अपकमिंग 7 डेज के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। मतलब 14 मार्च से आप लोग 7 दिन कैलकुलेट करके रखना, अगर कोई भी बड़ी घटना इस समय के अंदर घटित हुई तो उस घटना को रोके नहीं रोका जा सकता। इसमें बड़े अंजाम दुनिया के अंदर क्रिटिकल फेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा आप लोगों को अधिकांश क्षेत्र के अंदर नारेबाजी आंदोलन विस्फोटक घटनाएँ और कई प्रकार के दंगे, कई प्रकार के ब्लास्ट की समस्याएं बॉर्डर के ऊपर, सिमिलर सिचुएशन जो क्रिटिकल सिचुएशंस है बॉर्डर के ऊपर, वो क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती है। लोगों के मन में अनचाहा तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, और ये इसी फेज के दौरान होएगा, और इस तनाव के कारण जो सरकारी मामले हैं, सरकारी गतिविधियों के अंदर हस्तक्षेप करते हुए लोग दिखाई देंगे, जनपद के ऊपर बड़े आंदोलन करते हुए लोग दिखाई दे सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूँ, केवल भारत के लिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूँ। और इस समय के ऊपर जो हम लोग नज़र रखने की बात कर रहे थे, जो हम लोग ये कह रहे थे कि कौन से समस्त ब्रह्मांड में महाप्रलय और पृथ्वी के ऊपर जो आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा क्रिटिकल फेस आने वाला है मार्च का, वो इसी टाइम के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। युद्धों के अंदर इस समय के ऊपर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सबसे खतरनाक
प्रभाव और क्रिटिकल सिचुएशंस उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है वो इस टाइम नज़र बनाने वाला युद्ध है, क्योंकि रशिया की कुंडली और इस टाइम पे ये बात बोल रही है कि यूक्रेन के साथ में बहुत बड़ी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। युद्ध एक ऐसे फेज के अंदर भी जा सकता है कि जिसको अगर रोका जाए तो रुक सकता है, लेकिन अगर नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा विस्फोटक रूप भी ले सकता है। साथ ही साथ राजनीति के लिए, सभी नेताओं के लिए इस समय के ऊपर ये ग्रहों का परिवर्तन कोई अच्छी गतिविधियां नहीं लेके आ रहा। चुनाव का ये समय कोई अच्छा प्रारूप लेके नहीं आ रहा। चुनाव का इस समय के अंदर होना मतलब कुछ ऐसे नीति नियम का भी पालन हो सकता है, कुछ ऐसे फैसले सरकार ले सकती है जो जन के लिए, मतलब ये कहिए कि लोगों के हितकारी ना हो, लोग उसको समझे नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इन्हीं फैसलों की प्रशंसा भी करी जा सकती है। जिस प्रकार से 370 था उसके लिए क्या जब हो रहा था, कदम उठाया जा रहा था, तो सरकार के लिए बहुत कुछ बुरी भलाई चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब वो हो गया और इसके बाद में लोगों ने उनकी तारीफ भी करी, बाहरी मुल्कों ने भी उनकी तारीफ करी हमारी सरकार की, तो यही सिचुएशन दोबारे से घूम के इस समय के अंदर आ रही है। एक बारी फिर से लोग धर्म के रिलेटिवली बात करते हुए नजर आएंगे, अपने धर्म को महत्वपूर्ण बनाते हुए नजर आएंगे, और अप्रैल के बाद में जो नेगेटिव टाइम बनेगा, मतलब अब ये जो फेज शुरू हुआ है ना, ये 15 डेज इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द क्रिटिकल टाइम, मतलब ये कहिए स्टार्टिंग फेज ऑफ द क्रिटिकल टाइम, मतलब ये केवल पहला पड़ाव है जो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में जो अप्रैल के महीने से, मतलब होली के बाद से जो शुरू होने वाला है, कुछ क्रिटिकल डेट्स मैंने आपको इस वीडियो में भी बताई हैं, वो आने वाली सिचुएशन को पूरी तरह चेंज कर देंगी। मंगल और राहु का मीन राशि में होना और साथ ही साथ अंगारक योग की उत्पत्ति, मतलब दुनिया के अंदर ऐसे अंजाम मिलेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी, लड़ाई झगड़े आम हो जाएंगे, मंगल अपने आप को ताकतवर बनाते हुए दिखाई देंगे और विस्फोटक गतिविधियां आम हो जाएंगी। साथ ही साथ कई ऐसे देश, पश्चिमी देशों के अंदर गोली चलाना, दंगे करना, ये नॉर्मल सी स्थिति आप लोगों को न्यूज़ के अंदर सुनने को मिल सकती है। एक प्राकृतिक घटनाएं इस समय में सबसे ज़्यादा, जो ये 15 डेज है ना, इसके अंदर प्राकृतिक घटनाओं की न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप देखिए कि मंगल के कारण अभी दूसरी पटाखा फैक्ट्री के अंदर भी आग लगी, और अभी थोड़े दिनों पहले एक लगी थी, अब यह दूसरी पटाखा फैक्ट्री के अंदर आग लगी। इसका मतलब है बहुत बड़ी मंगल का विस्फोटक ब्लास्ट जो स्टार्टिंग होने से पहले ही दुनिया को अपना रूप दिखा रहा है, वो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया को किस प्रकार से उलझनों में डालता हुआ, गंभीर परिस्थितियों में फंसाता हुआ नजर आ सकता है। भारत की गवर्नमेंट के लिए वेस्ट बंगाल इस टाइम के ऊपर, मणिपुर साथ के साथ कर्नाटक और आपका बंगाल के आसपास के क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है, जो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ये चार स्टेट ऐसी हैं जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेट्स हैं, इनके साथ साथ पंजाब भी इसके अंदर आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ 18 मार्च के बाद से जब शनिदेव दोबारे से उदय होंगे तो न्याय प्रणाली संपूर्ण रूप से उतनी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। जो असली शनि का दंड है वो इस टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 35 डेज के अंदर शनि भगवान, न्याय प्रणाली अस्त होने के कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गलत काम करे हैं, अब तुरंत के तुरंत फल मिलने का जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर आप लोगों को उदय होने के बाद में तुरंत फल मिलता हुआ नजर आने वाला है। तो प्लीज़ ये पहला फेज़ जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेकंड फेज़ जो होगा 21 अप्रैल, मतलब 14 मार्च से 21 अप्रैल का होगा, उसके बाद में 21 अप्रैल से 15 मई का होगा, और 15 मई से 23 मई का द लास्ट और फाइनल स्टेप होगा, जो 24 तक का सबसे क्रिटिकल टाइम होगा। तो आने वाले टाइम के अंदर शनि का क्या दंड देखने को मिल सकता है, इसके बारे में एक और वीडियो में आप लोगों के पास में लेके आने वाला हूँ। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ में बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।